हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें कि हम जान सकते हैं कि मार्च के मंथ में हम कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं जो कि पूरी साल चलें, गर्मियों भर भी फ्लावरिंग करें। तो आज इसी तरह के कुछ प्लांट्स मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी आपको दूंगी। पहला है लिली का प्लांट, जो कि कई वेरिएशन में आता है। इसकी कई वेराइटीज़ होती हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में ये होता है। और ये बल्ब से लगाया जाता है और इसका जो प्लांट है वो लगभग 3-4 फीट तक का होता है। तो और इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं। और अगला प्लांट है मैरीगोल्ड का, यानी जिसे हम लोग गेंदा भी कहते हैं। तो इसे भी जो है बीजों से और कटिंग से दोनों ही तरह से ग्रो किया जाता है। और इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, ऑरेंज, येलो, रेड और मिक्स कलर, डबल शेड वगैरह, तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। और इसे भी हम मार्च में लगाकर आराम से इससे भी पूरी साल फूल ले सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है और बहुत ही कम केयर वाला ये प्लांट होता है। और अगला प्लांट है लोटस, जिसे कमल कहते हैं। तो ये प्लांट जो है ये सीड्स और जड़ों दोनों से ही उगाया जाता है। और इसे टब में ये चिकनी मिट्टी में डालकर इसके बीजों को और उनसे उगाया जाता है, या फिर इसे हम डायरेक्ट पानी में भी उगा सकते हैं। डायरेक्ट पानी में बीज डालकर भी इसको उगा सकते हैं, उसका बस पानी चेंज करना होता है 12 घंटे के अंतर पर। और इनमें जुलाई अगस्त तक फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में ये फ्लावर्स होते हैं। तो इन्हें भी मार्च के मंथ में उगाया जा सकता है। और अगला प्लांट है कॉस्मोस का प्लांट। तो कॉस्मोस का जो प्लांट है ये ऑल सीज़न प्लांट है और इसे किसी भी सीज़न में लगाया जा सकता है। लेकिन इसे हम अगर मार्च में लगाते हैं तो ये पूरी गर्मियों भर फ्लावरिंग करता रहता है। और ये एक बुशी प्लांट होता है और ये सिंगल और डबल पेटल्स में इसके फ्लावर्स होते हैं। और इसकी ऊंचाई लगभग 2-4 फुट तक की होती है और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में इसके फ्लावर होते हैं। और मार्च में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं और अच्छे अच्छे फूल इससे ले सकते हैं। और अगला है जीनिया। और जीनिया जो है इसे सीड से लगाया जाता है और गर्मियों में ये फ्लावरिंग करता है। और ये भी कई वेराइटीज़ में आता है और इसके बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। और ये टॉल और ड्वार्फ वेराइटी में मिलता है और इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और इसे गेंदे की तरह से इसके बीजों को बिखेर कर आसानी से इसे उगाया जा सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है इन दिनों लगाने के लिए। और अगला है पोर्चुला का। तो पोर्चुला का जो प्लांट है इसे हम लोग आम भाषा में 9 बजिया या 10 बजिया भी कहते हैं और इसे मॉस रोज भी कहा जाता है। तो ये प्लांट जो है ये कटिंग से और सीड से दोनों से ही लगाया जाता है। और कटिंग से खैर बहुत आसानी से ये लग जाता है और इन दिनों इसे लगा लिया जाए तो ये गर्मियों में भी आसानी से फ्लावरिंग करता रहता है। और अगला प्लांट है हिबिस्कस यानी गुड़हल। और जो गुड़हल का प्लांट है ये भी बहुत सारे कलर्स में मिलता है। इसके भी फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के होते हैं, वाइट, पिंक, रेड, डबल शेड और पीच, और बहुत सारे कलर्स में होता है। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस कीड़ों से बचाकर रखना होता है। और ये भी इन दिनों लगा कर बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और अगला प्लांट है एक्जोरा का प्लांट। और एक्जोरा प्लांट को भी मार्च में लगाया जा सकता है और इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं और ये बंच में इसमें फ्लावर्स होते हैं। और इसे भी कटिंग और बीजों से दोनों तरह से लगाया जा सकता है और सितंबर अक्टूबर तक करीब ये फ्लावरिंग करता है और बहुत कम केयर इसे की ज़रूरत होती है और इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। और अगला प्लांट है बोगनविलिया। बोगनविलिया प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दें आसानी से उग जाता है ये। और इसके फ्लावर्स भी बहुत सारे शेड के होते हैं, बहुत कलर्स के होते हैं, पिंक, ऑरेंज, वाइट
और बहुत सारे कलर्स में आता है ये भी, तो ये भी इन दिनों लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और एक है अडेनियम, तो जो अडेनियम का प्लांट है इसे डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, और इसके भी बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, और बहुत ही ये जो है पानी स्टोर करके रखने वाला प्लांट होता है, और ये गर्मियों में ही फ्लावरिंग अच्छी तरह से करता है। तो इन दिनों इसे लगा दिया जाए, और इसे कटिंग से लगाया जा सकता है, और ये बल्ब से भी लगाया जाता है इसको, और बीज वगैरह से भी लगाया जाता है। इसमें बीज निकलते हैं फ्लावर्स के बाद में, तो उनसे भी इसको लगाया जाता है। बहुत अच्छा प्लांट होता है ये। और अगला प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी। इसका नाम ही मॉर्निंग ग्लोरी है, जो कि इसके जो फूल हैं वो मॉर्निंग में ही खिलते हैं, और दोपहर आते आते इसके फूल बंद होने लगते हैं। और ये एक बेल की तरह का प्लांट होता है, बेल की तरह से फैल जाता है। तो यही सारे आज के मेरे मार्च में उगने वाले प्लांट्स थे। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।